नारनौन के लोहरी राघव गांव में गुरुदासपुर से सांसद और अभिनेता सनी देओल ने जनसभा को संबोधित किया और नारनौन से प्रत्याशी कैप्टन अभिमन्यु के लिए जनता से वोट की अपील की। नारनौन की जनसभा के मंच पर आकर सनी देओल ने जनता का अभिनंदन किया और सनी ने कहा कि मैं यहां कैप्टन अभिमन्यु के लिए आया हूं, कैप्टन अभिमन्यु मेरे भाई हैं। सनी देओल ने 21 अक्टूबर को कमल का बटन दबाकर बीजेपी के पक्ष में जनता से वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि मैं नारनौन सिर्फ हाथ जोड़ने आया हूं। कैप्टन अभिमन्यु ने सनी देओल का स्वागत करते हुए कहा कि मैंने नारनौन की 5 साल तक चौकीदारी की है और अपने हाथों से ही अपनी किस्मत का फैसला करेंगे, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। नारनौन में कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि नारनौन की जनता मेरा सम्मान है। कैप्टन अभिमन्यु ने अब की बार 75 पार का नारा देते हुए कहा कि इस बार फिर से मनोहर सरकार को बनाना है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी 18 और 19 अक्टूबर को चुनावी रैली करेंगे। पीएम की रैली के लिए सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। महेंद्रगढ़ में राजनाथ सिंह जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। यहां सतनाली गांव के खेल मैदान में उनकी जनसभा को आयोजित किया गया है। सीएम मनोहर लाल ने महेंद्रगढ़ जिले के अट्रेली में जनसभा को संबोधित किया। यहां सीएम ने सीताराम यादव के समर्थन में जनता से वोट करने की अपील की। अटेली में सीएम मनोहर लाल ने बीजेपी उपलब्धियां गिनाई और कहा कि बीजेपी ने विकास के काफी काम किए हैं। सीएम ने कहा कि चुनावी यज्ञ समाप्ति की ओर है और हम चुनावी यज्ञ में आहुति दे रहे हैं। सीएम ने कहा कि 5 साल में पारदर्शी सरकार के दौरान बिना भेदभाव के काम किया गया, जनता का हमें काफी समर्थन मिल रहा है। भिवानी जिले के लोहारू में सीएम मनोहर लाल आज जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो जेपी दलाल के लिए जनता से वोट की अपील करेंगे। लोहारू के बाद सीएम मनोहर लाल रोहतक के किलोई में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। यहां सतीश नांदल के पक्ष में जनता से आशीर्वाद मांगेंगे।